ये पुरानी पैकेजिंग है और ये नई पैकेजिंग है, बहुत बहुत चेंजेस हो गए हैं, बट ये चेंजेस अच्छे नहीं है, ये बुरे चेंजेस है। क्योंकि नमस्ते दोस्तों, केयर फॉर पेट्स पर आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज का भी वीडियो मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं RS 380 की अनबॉक्सिंग। ये भी एक टॉप फिल्टर ही है RS इलेक्ट्रिकल की तरफ से, अच्छा टॉप फिल्टर है ओवरऑल। सो इसकी बात करें तो दोस्तों पहले RS के सारे जो भी टॉप फिल्टर्स आते थे वो तीन नंबर्स में आते थे, लाइक 288, 188, 388। बट इनके नए पैकेजिंग के साथ इन्होंने 388 और एक जीरो भी ऐड किया है, मतलब अभी RS 380 हो गए। सो दोस्तों देखते हैं ये बॉक्स के चेंजिंग के साथ क्या इसके प्रोडक्ट्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं या फिर प्रोडक्ट सेम ही है। सो बॉक्स पे देखेंगे तो हमको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती है, जैसे इसका पावर 220 से 240 वॉट, फिर बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं यहाँ पर चाइनीज में, जैपनीज में, तो मैं तो आपको नहीं बता पाऊंगा इसका स्पीड है ये। सो चलिए बॉक्स के अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या है बॉक्स में मिल जाता है हमें। यहाँ पर देखो टेप लगा है, बहुत बड़ा टेप है। तो दोस्तों टेप निकाल के बॉक्स खोलते साथ ही हमारा टॉप फिल्टर पूरा बाहर आ जाता है। और पैकेजिंग की बात करें तो दोस्तों देखो हर एक प्रोडक्ट जो भी इसके अंदर हमें मिल रहा है वो सब प्लास्टिक के पैक के साथ है। सो अगर आपको कोई ऐसा फिल्टर मिलता है जिसमें प्लास्टिक रैप नहीं तो वो एक्सेप्ट मत कीजिए दोस्तों, मतलब वो यूज प्रोडक्ट है। सो ये उसका मोटर है, ये हमारा टॉप फिल्टर का बॉक्स है और ये एक एक्सटेंडेबल बॉक्स है, ये निकलता नहीं है, ये एक्सटेंड होता है। बट इसमें एक ड्रॉबैक है कि आप इसे पूरा अंदर नहीं डाल सकते हो, यहाँ पर दो स्टॉपर्स है। तो सबसे पहले तो हम अपना मोटर देखेंगे दोस्तों। तो RS इलेक्ट्रिकल की तरफ से ये एक 220-240 वॉट का मोटर है, 20 वॉट कंज्यूम करता है ये। और ये मोटर जैसे आपको पता है कि ये फुली ओपनेबल है, आप इसे निकाल के पूरा साफ कर सकते हो। मोटर के बिल्ड क्वालिटी को देखेंगे तो ये इसकी प्राइसिंग के हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी है, और ये जो पीछे जो सप्शन कप दिए है ये भी बहुत अच्छे से होल्ड करते हैं, बहुत गुड क्वालिटी का है ये। और ये सक्शन कप्स भी निकलते हैं यहाँ से, अगर आपको ये भी साफ करना होगा, मतलब ये सब तो साफ करना ही है, तो ये सब निकल जाते हैं। और इसके बाद आप एक एक सक्शन कप इंडिविजुअली निकाल भी सकते हो बाहर। तो दोस्तों मोटर के बाद हमारा सबसे मेन पार्ट हमारा टॉप फिल्टर का बॉक्स, तो इसके ऊपर भी एक टेप आता है। तो ये टेप को निकाल के हम देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये टॉप फिल्टर का कवर है हमारे, जो हमें ऐसे रखना है टॉप फिल्टर पर। तो इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है दोस्तों प्राइसिंग के हिसाब से। ये पाइप है जो हमारा मोटर से टॉप फिल्टर के अंदर यहाँ पर कनेक्ट होगा, ये वो कंपोनेंट है जो मोटर से आने वाले पाइप को टॉप फिल्टर के अंदर फिट करेगा। ये मोटर के नीचे का पार्ट है जो हमारे मोटर पर लगेगा, और ये ऑक्सीजन पाइप, अगर आपको ऑक्सीजन भी देना है आपके फिश को तो आपको ये पाइप अपने मोटर में फिक्स करके और फिर इसके दूसरे एंड को टैंक के बाहर रखना होगा। ये पाइप पकड़ने के लिए, ये ब्लू पाइप पकड़ने के लिए ये इसका वैक्यूम कप है, और ये हमारे टॉप फिल्टर के नीचे लगेगा, और ये टॉप फिल्टर का नेट है। तो दोस्तों अगर इसे असेंबल करना है तो ये पार्ट को यहाँ पर लगाना है, इसके बाद ये नेट को यहाँ पर, और इसके ऊपर आप अपना स्पॉन्ज या बायो केमिकल फोम रखना है आप वो रख सकते हो। ये पाइप यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद आपका पाइप रेडी हो गया है। उसके बाद आपको अपने पाइप को यहाँ पर डालना है, मोटर में फिक्स करना है, और ये जो पार्ट है दोस्तों ये पार्ट यहाँ पर लगेगा आपके मोटर में। और अगर आपको ऑक्सीजन देना है तो दोस्तों ये पाइप यहाँ पर लगेगा, और ये आपका जो पाइप है ये बाहर जाएगा आपके टैंक के। तो दोस्तों ओवरऑल क्वालिटी की अगर बात करें तो इसका क्वालिटी ठीक ठाक है। और एक ड्रॉबैक जो मैं आपको बताना चाहूँगा ये 380 के बारे में ये है कि इसका जो पुराना था 380, मतलब ओल्ड वर्जन, वो इससे बड़ा है और क्वालिटी वाइज सेम है बट सिर्फ बड़ा है थोड़ा। ये जो हमारा जो लेंथ के कॉर्नर है वो इतने रिजिड नहीं है, बट अगर मैं आपको 380 दिखा दूँ तो दोस्तों ये देखो ये इतने बेंड नहीं हो रहे। और इसका अगर हम बॉक्स कंपैरिजन करें, ये पुराना 388 है, ये वाला पुराना 388 है और ये नया वाला 388 है। तो दोस्तों अगर हम इसके बॉक्स की कंपैरिजन करें तो इसका साइज़ भी छोटा हो गया है,
तो जो हमने सोचा था कि कुछ चेंजेस नहीं हुए है, तो दोस्तों कुछ चेंजेस हुए है। इन्होंने बॉक्स छोटा किया है बट प्राइस बिल्कुल ही सेम है, तो आप देख सकते हो कितना फ़र्क है दोस्तों। क्योंकि तो दोस्तों अगर इन्होंने बॉक्स छोटा किया है तो प्राइस भी छोटा करना चाहिए, मतलब कम करना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत फ़र्क है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर। और अगर हम इसके पैकेजिंग बॉक्स की बात करें तो दोस्तों वो भी छोटा हो गया है, आप देख सकते हो दोनों को कंपेयर करके। ये 3880 है और ये 388 है। ये पुरानी पैकेजिंग है और ये नई पैकेजिंग है। तो दोस्तों बहुत बहुत चेंजेस हो गए हैं, बट ये चेंजेस अच्छे नहीं है, ये बुरे चेंजेस है, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि ऐसा कंटेनर एटलीस्ट सेम साइज़ का मिले, बट इन्होंने छोटा कर दिया है नए पैकेजिंग के साथ। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए क्यों पसंद नहीं आए। मिलते हैं आपको ऐसे ही और एक अनबॉक्सिंग वीडियो में फिर से। नमस्ते।